Hello students, welcome back. In this lecture, we start the new topic. The topic is first order linear partial differential equations. Previously, हमने जो देखा था उसमें जो था वो formation का portion था. अब जो है वो आपका partial differential equation solve करने का तरीका आएगा. Okay? इसमें कोई form नहीं करना है, so differentiation का use बहुत कम होगा. So पहले तो उसका मैंने working rule लिखा है, वो समझ लेते हैं. This is the steps. Total 4 steps में आपका sum complete होगा. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, इस मेथड का है. ओके तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके अंदर आपको इसको कन्वर्ट करना है जो आपका क्वेश्चन गिवन होगा. फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन गिवन, ओके डी और क्यू मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी है, इसको डायरेक्टली आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. फॉर्म के अंदर सिंपल ये है कि आपका स्मॉल पी होना चाहिए, स्मॉल क्यू होना चाहिए और पी और क्यू के अलावा जो अदर टर्म्स है वो राइट हैंड साइड पे होने चाहिए. तो स्मॉल पी के आगे जो वैल्यू मिलती है जैसे ये है एक्स, तो वो आपका कैपिटल पी बन जाएगा. कैपिटल पी क्या बनेगा? स्मॉल क्यू के आगे का. और राइट हैंड साइड में जो टर्म्स है वो आपका कैपिटल आर बन जाएगा. ओके सो इस तरीके से मैं पी क्यू आर फाइंड करूंगा. दिस इज द सेकंड स्टेप. जो पी क्यू आर है वो यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है. इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑल्सो इट्स कॉल्ड सब्सिडरी इक्वेशन. तो ये जो इक्वेशन आपको बनाना है पी क्यू आर, ये हर बार पहले इक्वेशन लिखो, पी क्यू आर की वैल्यू यहां से जो मिलेगी वो फाइन करके सब्सटीट्यूट करो. सब्सटीट्यूट करने के बाद सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन. साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब ये होगा कि यहां पे टोटल तीन है, तीन टर्म्स है, तो पहले दो की वैल्यू फिर दो की वैल्यू और उस तरीके से आपको सॉल्व करना है. दो की वैल्यू का मैं वन टाइम में मतलब इसको फ्रैक्शन नाम दे देते हैं. तो ये जो फ्रैक्शन सिलेक्ट करूंगा तो फर्स्ट जो सिलेक्शन आएगा उसमें से आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, सेकंड सिलेक्शन आएगा उसमें से सॉल्यूशन मिलेगा. जरूरी नहीं है कि फ्रैक्शन मैं जैसे दिखा रहा हूं वैसे ही आए, या फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड, जरूरी नहीं है. जैसा आपका कंफर्टेबल रहता है कि जो आपको इजी रहता है इंटीग्रेट करके, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन करना आएगा तो इंटीग्रेट करके जो इजी रहता है वही फ्रैक्शन आपको मेंशन करना है. तो उस तरीके से इन शॉर्ट आपको दो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, सी वन एंड सी टू. ओके वो जो सॉल्यूशन मिलता है वो आपको फाइनल एक कंक्लूजन में इस फॉर्म के अंदर लिख देना है. मतलब सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो यहां से मुझे इस साइड इक्वेशन मिलेगा, कोई वैल्यू मिलेगी इज इक्वल टू सी वन मिलेगा. वैसे ही एक इक्वेशन मिलेगा इज इक्वल टू सी टू मिलेगा. इसको मैंने अभी नाम दिया है यू और इसको नाम दिया है वी. तो ये जो वैल्यू मिलती है यानी कि एक्चुअल वैल्यू किसकी है? सी वन और सी टू की वैल्यू. वो वैल्यू आपको यहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है. अभी सी वन की वैल्यू यू थी तो यहां पे रखा, सी टू की वैल्यू वी थी वो यहां पे सब्स्टिट्यूट किया. इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन फॉर्म, जिसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे. ओके सो दिस इज द मेथड. इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है. एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व. इसमें कोई मेथड का मेंशन नहीं होगा तो आइडेंटिफिकेशन आपको ही करना पड़ेगा. आगे की दो मेथड में फॉर्मेशन था, वहां से वर्ड वो दोनों मेथड सेपरेट हो जाते. अब यहां पे कुछ मेंशन नहीं है. समटाइम्स लाग्रांज इक्वेशन इसका दूसरा नाम है, लाग्रांज लीनियर इक्वेशन. तो समटाइम इस मेथड का स्पेसिफिकेशन इस नाम से होता है. ओके तो अगर स्पेसिफिकेशन है तो आपको इजीली पता चल जाएगा, नहीं है तो इसमें फाइंड करने का सिंपल तरीका एक ही है. सॉल्व लिखा है एक्स पी वाई क्यू जेड, यानी कि सारे वेरिएबल्स यहां पे कनेक्टेड होंगे. सेकंड थिंग ये क्या है? लीनियर. लीनियर का मतलब क्या होता है? पहले सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, लीनियर अगर नॉर्मल कोई लीनियर इक्वेशन देखे तो एक जनरल फॉर्म है हमारा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी. ओके अगर ये भी नहीं कंसिडर करना तो सिंपल ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो. ओके दैट मीन्स इसका क्या होता है कि ये जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल की अगर वन पावर है तो हम उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन. तो डिफरेंशियल इक्वेशन के वेरिएबल्स कौन से होते हैं? डेल जेड बाय डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल वाई, इसको हम क्या लिखते हैं? स्मॉल पी, और इसको लिखते हैं स्मॉल क्यू. ओके अगर इस फॉर्म में है तो ये देखना है, अगर शॉर्ट फॉर्म में है नोटेशन के फॉर्म में तो पी क्यू देखना है. तो पी और क्यू की पावर कितनी है? वन. अगर इस फॉर्म में दिया जिसकी भी टोटल डिग्री यानी कि वो पावर जो है वो भी कितने है? वन. तो अगर वन मेंशन है दैट मीन्स इट इज अ लीनियर इक्वेशन. तो नॉन लीनियर इक्वेशन जो लीनियर नहीं होता वो कैसा होगा? पी स्क्वायर हो सकता है, क्यू स्क्वायर हो सकता है, पी रेस टू थ्री बाय टू, अंडर रूट पी, अंडर रूट पी को हम पी रेस टू वन बाय टू लिखते हैं. ओके तो दीज आर द
आपका नॉन लीनियर इक्वेशन बनता है। ओके, सो ये लीनियर इक्वेशन है, यहां से पता चल गया। जैसे लीनियर इक्वेशन का पता चले, लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक ही मेथड है, लैग्रैंज लीनियर इक्वेशन, तब ये स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इसका आइडेंटिफिकेशन में सीधा सिंपल एक ही चीज देखना है कि पी और क्यू की पावर कितनी है। अगर वन है सो दैट इज लीनियर, तो ये मेथड स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है वो लिख दो। सो हियर इक्वेशन क्या गिवन है, एक्सपी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 3z। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, कैपिटल पी, कैपिटल क्यू और कैपिटल आर, ये फाइंड करना है। उसके लिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होना जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म यही है जो ऑलरेडी यहां पे है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए सिर्फ एक चीज देखो, पी और क्यू सेपरेट टर्म होने चाहिए और अदर टर्म्स राइट हैंड साइड पे होने चाहिए जो यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है। तो पी के आगे का जो है दैट इज कैपिटल पी, वो क्या बनेगा, एक्स। सो यहां पे मैं डायरेक्टली लिखू, सो देयरफॉर कैपिटल पी इज इक्वल टू एक्स मिला। कैपिटल क्यू मतलब यहां पे क्या है, स्मॉल क्यू के आगे, तो स्मॉल क्यू के आगे यहां पे क्या है, वाई। सो कैपिटल क्यू इज वाई। कैपिटल आर इज इक्वल टू टोटली राइट हैंड साइड विच इज 3z। ये डायरेक्टली मैं तभी लिख सकता हूं जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो, तब, उसके बिना ये नहीं। पी क्यू आर मिल गया, तो सेकंड स्टेप आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज dx अपॉन कैपिटल पी, dy अपॉन कैपिटल क्यू एंड dz अपॉन कैपिटल आर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ कैपिटल पी, कैपिटल पी की वैल्यू है x, वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू दैट इज स्मॉल y एंड वैल्यू ऑफ कैपिटल आर विच इज द 3z स्मॉल। ओके, स्मॉल कैपिटल का थोड़ा ध्यान रखना लिखने में। चलो, तो ये मुझे फ्रैक्शन मिला, इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन वन। अब पूरे सम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ इस इक्वेशन का यूज करना है, आगे का पोर्शन अब जरूरत नहीं है। तो मेथड क्या थी, अब सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, मतलब ये जो मिला है इसको सॉल्व करना है और उसमें से सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन चूज करो। तो मैं जो इजी है यहां पर ऑलमोस्ट सेम है, एक्स के नीचे एक्स, वाई के नीचे वाई, जेड के नीचे जेड, मतलब सीधा सिंपल दिया है। तो इसके अंदर पहला फर्स्ट एंड सेकंड, फिर दूसरा फ्रैक्शन सिलेक्ट करूंगा सेकंड एंड थर्ड। ओके, सो नाउ टेक फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन से सिलेक्ट करता हूं, सो dx अपॉन एक्स फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन dy अपॉन वन, इतना हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने से पहले एक चीज हमेशा याद रखना, आपका dx है वहां पे सारे x वाले टर्म्स होने चाहिए, dy है वहां पे y वाले टर्म्स होने चाहिए, चाहे ऊपर हो नीचे हो वो चलेगा, बट वहीं पे होने चाहिए। ओके, यहां पे डायरेक्टली सेट है, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के लिए, लिखने के लिए, मेंशन करने के लिए आप साइड में भी लिख सकते हो, यहां पे सेंटेंस भी लिख सकते हो, और डायरेक्टली ऐसे साइन कर दोगे तो भी चलेगा। चलो, तो इंटीग्रेशन करो, ये क्या है dx अभी साइड में रखो, तो 1 अपॉन x है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। सो log x इज इक्वल टू वैसे ही 1 अपॉन y का log y। अब प्लस हम जब भी इंटीग्रेशन करते हो दोनों साइड, तब हम प्लस कांस्टेंट लिखते हैं, प्लस c। ओके, बट यहां पे दोनों टर्म log वाले हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे कांस्टेंट भी log c। डन, अब log को कंबाइन करते हैं, log y प्लस log c, ये इस टाइप का फॉर्मूला बनेगा। मैं फॉर्मूला साइड में लिख रहा हूं, log a प्लस log b। अगर ऐसा है, मतलब दो log है बीच में प्लस है, तो आप क्या करोगे, सिंगल log लिखोगे, इन दोनों टर्म पे a और b को कंबाइन करोगे विथ मल्टीप्लीकेशन। अगर प्लस है तो मल्टीप्लीकेशन से आएगा, और अगर इसी टर्म में माइनस आए तो अपॉन से आएगा। ये ऑलवेज याद रखना। सो ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, तो यहां पे प्लस है, सो पहले तो सिंगल लॉग आएगा और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, सो y इंटू सी। दोनों साइड लॉग है, लॉग के आगे कोई टर्म नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इसको कैंसिल कर सकता हूं। सो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, y इंटू सी। सो मुझे c की वैल्यू चाहिए, पहला सॉल्यूशन चाहिए। पहला सॉल्यूशन आपका कैसा होता है, सी वन। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि दो सॉल्यूशन की जरूरत है, तो कॉन्स्टेंट सी की जगह मैं सी वन मेंशन कर देता हूं। ओके, तो सी वन की वैल्यू चाहिए,
तो ये वैल्यू इस साइड ले लेता हूं x अपॉन y, सो दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन, ये मिल गया, इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली ऐसे ही दूसरा कोई फ्रैक्शन सिलेक्ट करो और आपको ऐसा ही एक दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करना है, जो मैं यहां पे करता हूं। सेकेंड सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, सो टेक फ्रैक्शंस लेने पड़ेगी, कौन सा फर्स्ट और सेकंड यूज कर लिया, अब फर्स्ट और थर्ड भी आप यूज कर सकते हो, ओके, बट नॉर्मली कोई भी सम्स हो तो अगर इजीली सारे टर्म सॉल्व होते हैं तो फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड ये फ्रैक्शन कॉमन रहता है, ये हर बार यही सिलेक्शन लिया जाता है, तो अगर इजी है तो सेकंड और थर्ड लेके सॉल्व कर लो। हाँ, सेकंड थर्ड में कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप फर्स्ट थर्ड इजी पड़ रहा है तो वो भी ले सकते हो, फ्रैक्शन सिलेक्शन आप अपने हिसाब से कर रहे हो, पर कॉमन आंसर के लिए ऑलवेज याद रखना फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड थर्ड सबसे पहली प्रायोरिटी में आपका होना चाहिए। सो सेकंड थर्ड का फ्रैक्शन ले जाओ, टेक सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शंस फ्रॉम इक्वेशन 1। सो फ्रैक्शन लिख दो, सेकेंड फ्रैक्शन है dy अपॉन y, ये वाला थर्ड फ्रैक्शन है dz अपॉन 3z, ओके, दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, सो dy अपॉन y इंटीग्रेशन अप्लाई करो तब कांस्टेंट बाहर आ जाता है, सो 1 बाय 3 dz अपॉन z, z के नीचे z है, y के नीचे y, इसलिए मैंने डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। अब इंटीग्रेट करने से पहले ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई नंबर आपके पास दिया है और वो फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी कि अपॉन में नीचे टर्म है, तो वो ऑलवेज दूसरी साइड ट्रांसफर करके ऊपर कर देना, ये इसलिए ये रॉन्ग नहीं, अगर इसी स्टेप में आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे तो राइट ही है, पर आपका आंसर कॉम्प्लिकेटेड आता है, ओके, तो वो ना है उसकी रीजन से 3 को इस साइड ट्रांसफर कर दो, बाय चांस भूल गए ऐसे ही सॉल्व किया है तो रॉन्ग नहीं है, राइट ही है, बट कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन दिखेगा और बुक से थोड़ा डिफरेंट आंसर आएगा, ओके। सो पहले 3 इस साइड ट्रांसफर कर देता हूं, यहां पे आ गया 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन होगा log y, ये तो निकल गया, 1 अपॉन z का इंटीग्रेशन log z, अगेन दोनों टर्म log वाले आ गए, तो आपका कांस्टेंट log c2 ऑफ मेंशन करूंगा क्योंकि c1 यहां पे मैंने फाइंड किया, ओके, दो log कंबाइन हो जाएंगे, सो जैसे इसमें समझाया था वैसे ही z into c2 हो जाएगा, ओके, यहां पे इस साइड क्या है log y और 3, तो ये log कैंसिल करने से पहले ये 3 मुझे यहां से निकालना पड़ेगा, तो ये 3 कैसे निकलेगा, तो जो भी आपका आगे टर्म होता है log में वो आप यहां पे जो टर्म है उसके पावर में लिख सकते हो, ओके, फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं a log x या फिर n मेंशन करो, शायद आप लोग n जानते होंगे, इसे इक्वल टू आंसर क्या रहता है log x रेज़ टू n, ये वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, ये वाइस वर्सा इस साइड भी अप्लाई हो सकता है, दोनों साइड अप्लाई होता है। चलो अब log दोनों साइड से कैंसिल, सो y क्यूब इज इक्वल टू z इंटू c2, मुझे सॉल्यूशन चाहिए c2 का, तो c2 इज इक्वल टू ये साइड आएगा तो y क्यूब अपॉन z, ये मिला आपको दूसरा सॉल्यूशन। अब दो सॉल्यूशन मिलते हैं, फाइनल प्रोसीजर क्या करनी है आपको, सिर्फ कंप्लीट सॉल्यूशन लिखाना है और वो क्या है u और v की वैल्यू, और u और v क्या है तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, जो आपको c1 और c2 मिला है, c1 पहला और c2 सेकंड, वो सॉल्यूशन यहां पे मेंशन कर दो, आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। सो जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन s क्या मिलेगा, f ऑफ u कॉमा v, u की जगह अगर आपको स्टार्टिंग में मेंशन करना है तो इस तरीके से मेंशन कर दो, यू भी मेंशन मत करना क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर सम सॉल्व करते हो कहीं पे भी नहीं आता, ओके, सो एफ ऑफ सी वन की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स अपॉन वाई, सी टू की वैल्यू वाई क्यूब अपॉन जेड इज इक्वल टू सी, सो ये आपका फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। तो सिंपल मेथड है, ऐसा ही हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व इक्वेशन लिखा हुआ है, पहले आइडेंटिफाई करो कि इसमें कौन सी मेथड अप्लाई, तो p और q सारे पहले तो वेरिएबल्स है, सॉल्व लिखा है तो आगे के दो मेथड तो आएंगे इन्फॉर्मेशन वाले, ओके, और स्मॉल p और स्मॉल q की वैल्यू कितने हैं, डिग्री पावर सिर्फ सिंगल 1, दैट मीन्स ए लीनियर है,
तो लीनियर इक्वेशन लैग्रैन्ज से सॉल्व करना है। पहले इक्वेशन जो गिवन है वो लिख दो, हियर पी जेड माइनस क्यू जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। चलो इतना हो गया। अब इसमें से पहले तो आपको कैपिटल पी, कैपिटल क्यू और कैपिटल आर की वैल्यू लानी है। तो पी की वैल्यू पहले स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी सीधा सिंपल डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्मॉल पी है ओके, उसके साथ में वैल्यू स्मॉल की उस क्यू और उसके साथ में वैल्यू और अदर टर्म्स राइट हैंड साइड पे। तो डायरेक्टली नाउ कैपिटल पी इज इक्वल टू, कैपिटल पी मतलब स्मॉल पी के जो साथ वाली वैल्यू है क्या है जेड, तो कैपिटल पी आ गया। कैपिटल क्यू इज इक्वल टू क्यू के साथ में वैल्यू है जेड बट विथ माइनस है सो माइनस जेड आएगा एंड कैपिटल आर विच इज द राइट हैंड साइड z स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। चलो अब ऑक्सिलरी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। सो नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन का एक्चुअल फॉर्म लिख दो, dx अपॉन कैपिटल b, dy अपॉन कैपिटल q एंड dz अपॉन कैपिटल r। एक्चुअल फॉर्म लिखने के बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, p की वैल्यू है z, Q की वैल्यू है माइनस जेड और R की वैल्यू है जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके पहली बात के फ्रैक्शंस का अब सिलेक्शन मुझे करना है, सिलेक्शन कैसे करोगे इसको मैं इक्वेशन नंबर वन दे देता हूं। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के बेस पे आपका सॉल्यूशन इजी या कॉम्प्लिकेटेड बनेगा और फाइनल आंसर, समटाइम्स अगर आपका फ्रैक्शन रॉन्ग है तो इंटीग्रेशन इजीली नहीं होगा तो आपका आंसर भी नहीं आएगा। तो फ्रैक्शन ध्यान से सिलेक्ट करना, पहला ऑलवेज प्रायोरिटी क्या करना है फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड में देखो तो यहाँ पे एक्स के नीचे एक्स नहीं है जेड है, वाई के नीचे वाई नहीं है जेड है, और हाँ एक बेनिफिट है अगर ये मैं सिलेक्शन लेता हूं तो दोनों साइड से जेड क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब कोई वेरिएबल बचेगा नहीं, तो जैसा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है वैसे हो जाएगा। सो हाँ ये सिलेक्शन मैं ले सकता हूं ओके। तो चलो पहले सिलेक्शन लेता हूं, टेक फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस फ्रॉम इक्वेशन वन। सो डीएक्स अपॉन जेड फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन डीवाई अपॉन माइनस जेड, दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करो और जेड दोनों साइड से हो जाएंगे कैंसल। सो यहां पे बचेगा पहले तो डीएक्स माइनस में ऊपर के मेंशन कर देता हूं तो माइनस डी ओके, दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूं माइनस बार रखा तो यहां पे क्या मिलेगा डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्योंकि अंदर कुछ वैल्यू नहीं है, माइनस डीवाई का होगा वाई प्लस यहां पे नॉर्मल टर्म है लॉग नहीं है तो जो कांस्टेंट हम लिखते हैं सी वन वो एज इट इज लिखूंगा, अगर दोनों लॉग मिलते तो मैं लॉग सी वन मेंशन करूंगा ओके। मुझे सी वन का आंसर चाहिए सो ये वाई इस साइड आ जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, सो सी वन इज इक्वल टू फर्स्ट सॉल्यूशन एक्स प्लस वाई इज इक्वेशन नंबर टू। सी वन मिल गया, सी टू फाइंड करना है तो उसके लिए वापस से आपको यहां से सिलेक्शन करना पड़ेगा। प्रायोरिटी वाइज पहला सिलेक्शन इसका था, सेकंड सिलेक्शन सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन का होना चाहिए। चलो तो मैं वो ट्राई करता हूं सेकंड और थर्ड का लेके, तो यहां पे हाँ अगर किसी को लगे कि नहीं ये मुझे माइनस वाला नहीं चाहिए ये चाहिए जेड वाला सिंपल, तो फर्स्ट और थर्ड का भी ले सकते हो, आंसर में थोड़ा वेरिएशन आएगा बाकी रॉन्ग आंसर नहीं है ओके, बट प्रायोरिटी वाइज पहले सेकंड और थर्ड मेंशन करना है तो इसका करूं। सो नाउ टेक सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शंस फ्रॉम इक्वेशन वन। चलो तो वैल्यू फर्स्ट वैल्यू है डीवाई अपॉन माइनस जेड इज इक्वल टू यहां पे वैल्यू है डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ओके। सॉल्व करना है, अब सॉल्व करने से पहली बात कि यहां पे जेड के नीचे जेड है और एक्स वाई भी है, इस साइड चलो y तो है बट y यहां से मैं सेपरेट नहीं कर सकता, सेकंड थिंग x है यहां पे x वाला टर्म नहीं है ओके, तो मतलब प्रॉब्लम ये है कि y यहां से मैं सेपरेट नहीं कर पाऊंगा तो क्या करें। तो अगर आप कोई वैल्यू यहां से स्प्लिट नहीं कर पा रहे और वो टर्म लेना कंपलसरी है क्योंकि इसके अलावा ये प्रायोरिटी बचती है जो ऑलरेडी आपने यूज कर दी है, मतलब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसको मैं
छोड़ नहीं सकता. ओके, दैट मींस ये कंपल्सरी टर्म है. तो दूसरा फाइनल अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जेड के नीचे जेड का प्रॉब्लम नहीं है, इसका है. तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, वो चेक करो कि सीवन में से उसकी वैल्यू बना सकता हूं. तो अभी तो रेडीमेड वैल्यू है, समटाइम्स रेडीमेड नहीं होती, पर वैल्यू वहां से आप बना के रिप्लेस कर सकते हो. तो सीवन का आंसर क्या है, एक्स प्लस वाई. तो यहां पर मैं सीवन मेंशन कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट हो जाएगा और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा. तो यहां पर रिप्लेस करता हूं, dy अपॉन माइनस जेड इज इक्वल टू dz अपॉन जेड स्क्वायर, एक्स प्लस वाई की जगह आएगा c1 और उसका क्या है स्क्वायर. सो c1 स्क्वायर साइड में मेंशन कर दो फ्रॉम इक्वेशन 2. इतना हो गया. ओके, अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं. इंटीग्रेशन पहले तो होगा कैसे, ये टर्म अपॉन में है. ओके, तो पहली बार मैंने आपको सिखाया था कि स्टार्टिंग में जो बेसिक लेक्चर से उसमें आपके डिफरेंस डिवीजन के दो फॉर्मूला थे, उसमें से एक ये फॉर्मूला था. इसके लिए मैंने आपको बताया था ये कब यूज करना है आपको, जब ऊपर और नीचे दोनों वेरिएबल हो, यानी कि ऊपर नीचे एक्स हो. वैसे यहां पे क्या है, जेड. तो नीचे जेड है, ऊपर जेड नहीं है. ओके, बट हाँ अगर नीचे कुछ ऐसा टर्म है कि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर सेट हो सकता है तो ये अप्लाई कर सकते हो. तो वो कैसे होगा, यहां पे वाई के नीचे क्या है, जेड. ओके, जेड मुझे यहां पे नहीं रखना है, जेड के साइड पे ही रखना पड़ेगा. तो दैट मीन्स कि ये जेड को मैं इस साइड ट्रांसफर कर देता हूं माइनस के साथ, नीचे स्टेप लिख देता हूं, dy इज इक्वल टू ये इस साइड जाएगा तो माइनस जेड डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर. डन, जेड आ गया. तो जेड ऊपर भी है नीचे भी है, मतलब डेफिनेटली अब ये वाला आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा. ओके, ये ना समझ में आए तो बस इतना याद रखो कि y के नीचे y वाला टर्म है तो ही आप रखो, z वाला है तो z के साइड पे ही ट्रांसफर करना. अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करूंगा. ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर सेट होना चाहिए एज इट इज. तो नीचे का डिफरेंशिएशन पहले चेक करो, z स्क्वायर का क्या होगा, 2z. c1 इज अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, मतलब ऊपर मुझे सिर्फ टर्म लाना है 2z, उसमें से z यहां पे ऑलरेडी है, बाकी बचा 2. मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करके या फिर यहां पे खाली मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो भी आंसर मिल जाएगा. ओके, दोनों मेथड से चलते. तो मैं यहां पे 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूं तो 2dy इज इक्वल टू माइनस 2z dz अपॉन z स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर. दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करो, यहां पे 2 कॉन्स्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन इस साइड अप्लाई कर देता हूं. सो 2 बाय चांस 2 कैंसिल मत कर देना क्योंकि 2 की जरूरत यहां पे है. ओके, सो 2 dy का इंटीग्रेशन होगा y इज इक्वल टू माइनस, इसका आंसर क्या बनेगा, तो आंसर चेक करो. तो यहां पे है नीचे टर्म जो है उसका पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर सेट हो रहा है, तो जैसे इसमें था कि log, फिर जो नीचे वाला टर्म है वो लिखना है. तो log नीचे वाला टर्म क्या है, z स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर. इनकेस अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम लगे तो मैंने जो प्रीवियस लेक्चर्स रखे हैं स्टार्टिंग के बेसिक लेक्चर्स उसमें ये फॉर्मूला मैंने समझाया हुआ है, तो उस हिसाब से आप देख के ये सॉल्व कर सकते. प्लस कॉन्स्टेंट आएगा, अब यहां पे एक लॉग है. ओके, एक टर्म लॉग नहीं है तो क्या करो, सी टू सॉल्यूशन रखे या लॉग सी टू, तो सीधा सिंपल सी टू ही रखो, दो लॉग है तो ही काम है, बाकी जरूरत नहीं. ओके, सो सिर्फ मैंने सी टू रखा, c2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये पूरा टर्म इस साइड आ जाएगा तो 2y प्लस log z स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर. यस राइट, के c2 सॉल्यूशन मिल गया, सेकंड सॉल्यूशन मिल गया, पर अभी कंप्लीट सॉल्यूशन लिए, कंप्लीट सॉल्यूशन में c1 नहीं होना चाहिए. ओके, तो c1 को वापस रिप्लेस कर दो, जो आपने ये वैल्यू रखी थी तो c1 की जगह वापस से x प्लस y. सो c2 इज इक्वल टू 2y प्लस log z स्क्वायर प्लस c1 की जगह आएगा x प्लस y और इसका ये होल स्क्वायर. अब चाहो तो इसको होल स्क्वायर को ओपन करके पूरा टर्म लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि उससे वो सिंपल टर्म नहीं होगा. सो ये आपका सेकंड सॉल्यूशन आ गया c2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. सो फाइनल कंप्लीट आंसर लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, जनरल सॉल्यूशन is, क्या बनेगा सॉल्यूशन, f ऑफ c1 कॉमा c2 इज इक्वल टू 0. हर बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो c1 और c2 की वैल्यू यहां पे लिख दो. पहले c1 की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई,
तो यहां पे आ जाएगा सी टू सेकेंड सॉल्यूशन, ये टू वाई प्लस लॉग जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका फाइनल आंसर जीरो. ये फाइनल आंसर आपका कंप्लीट. ओके, सो नीचे मेंशन कर देना विच इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, नहीं करोगे तो भी चलेगा, हमने यहां पे मेंशन किया हुआ है. तो ये जो मैंने दो सम दिखाए आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है. सेकंड थिंग, यहां पे इस मेथड के अंदर एक प्रॉब्लम है, ये जो फ्रैक्शन है हर बार फ्रैक्शन लेने का तरीका सेम नहीं होता. ओके, और इसके लिए कोई पर्टिकुलर टेक्निक भी नहीं बनी, जो आपको कंफर्टेबल जो फ्रैक्शन देता है वही सिलेक्शन करना है. ओके, पहले में इजीली मिल गया, सेकंड में हमें रिप्लेस करना पड़ा. अब वैसे ही दो सम समझाऊंगा उसमें कुछ और तरीके से वो यूज होता है. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में यही टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे. इन केस अगर कोई क्वेरी है तो आप वापस आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच.